प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए 1 लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को 20 पूंजी सहायता दी गई। पीएम मोदी की ओर से दी गई इस सहायता से एसएचजी को बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट के जरिए बाजार में बेहतर दाम हासिल करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया। अभी मैं टेक्नोलॉजी पेविलियन को देख करके यहां आया हूं। जिस तरह यहां टेक्नोलॉजी पेविलियन, स्टार्टअप पेविलियन और फूड स्ट्रीट जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो अद्भुत है। टेस्ट और टेक्नोलॉजी का ये फ्यूजन एक नए फ्यूचर को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है। इसलिए वर्ल्ड फूड इंडिया का यह आयोजन और भी अहम हो गया है। फ्रेंड्स, भारत में प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को आज सनराइज सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है। पहले वर्ल्ड फूड इंडिया से के आयोजन से जो परिणाम प्राप्त हुए वो भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पिछले 9 वर्षों में इस सेक्टर में 50,000 करोड़ का एफडीआई आया है। ये भारत सरकार की प्रो इंडस्ट्री और प्रो फार्मर्स पॉलिसीज का परिणाम है। हमने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए पीएलआई की स्कीम प्रारंभ की है। इसके तहत इंडस्ट्री और नए प्लेयर्स को विशेष सहयोग मिल रहा है। आज भारत में एग्री इंफ्रा फंड के तहत पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हजारों प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में भी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, आज भारत में ये जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनी हैं, वो फूड सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है।